दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और हम चाहते हैं कि भगवान शिव अपनी कृपा सोनम वांगचू के ऊपर भी बनाए रखें जो कि 21 दिन के आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इनके साथ लगभग पूरा लद्दाख अनशन पर बैठा हुआ है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों अनशन कर रहे हैं, भला क्या कारण है, तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों सोनम वांगचू जी अभी भूख हड़ताल पर और अभी कुछ महीनों पहले भी इन्होंने एक भूख हड़ताल की थी और लगभग लाखों की संख्या में एक जन सैलाब इनके साथ उमड़ा था। एक बहुत बड़ी एक रैली भी लद्दाख में निकाली गई थी और इनकी क्या डिमांड है? डिमांड कुछ भी नहीं है, जो सरकार ने कहा था ये उसे वही चाहते हैं कि सरकार ने जो कहा उसको पूरा कर दे। दरअसल में सरकार ने, भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन से पहले ये कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाएगी या बीजेपी की सरकार आएगी तो बाकायदा इस लद्दाख को 6th शेड्यूल स्टेट के तौर पर एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और सोनम वांगचू जी की भी यही शर्तें हैं, यही वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली की जा रही है उसी तरह से लद्दाख के अंदर भी लोकतंत्र की बहाली हो, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उन्होंने एक अनशन किया। अनशन इसलिए भी किया क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें कही थी उनको पूरी तरीके से सिरे से नकार दिया है। उन्होंने अपनी इनकी ये सभी मांगे मानने से बिल्कुल मना कर दिया, जिसके बाद मजबूरन सोनम वांगचू और लद्दाख के तमाम लोगों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। तो हम ये जरूर चाहेंगे कि भगवान शिव अपनी कृपा इनके ऊपर बनाए रखे क्योंकि आने वाला समय इनके लिए बहुत कठिन होने वाला है। -15 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बाहर बैठ के ये लोग एक भूख हड़ताल कर रहे हैं जहाँ ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर मतलब अगर खुले में आप पानी रख दो तो पानी जम जाए, बर्फ मतलब बिस्तरों पर बर्फ जम गई है। और आप सोच सकते हो कि ऐसे खुले इलाके में खासतौर से लद्दाख ऐसी जगह जहाँ वैसी बहुत ठंड पड़ती है उस जगह में खुले में ये लोग अनशन कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग ये चाहेंगे और सोनम वांगचू जी भी यही चाहते हैं कि सारा देश उनके समर्थन में आए ताकि भारत सरकार इनकी बातें सुने। और दोस्तों इन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो गोदी मीडिया है, हमारे देश की जो गोदी मीडिया है जो सरकार की गोद में जाके बैठ गई है, उसने सिरे से इस पूरे आंदोलन को कवर करना बंद कर दिया है। कोई भी किसी भी बड़े तमाम टीवी चैनल से किसी पे भी देख लो, उस सभी चैनल सभी बड़ी अखबारों से ये खबर लापता है। कहीं पर भी सोनम वांगचू जी की खबर को महत्वपूर्ण दर्जा नहीं दिया जा रहा है, कोई भी लोग इसको कवर नहीं कर रहा है। हमारे जैसे कुछ छोटे टीवी चैनल्स चलाने वाले लोग हैं और भी कुछ लोग हैं जो इनकी खबरों को शुरू से दिखा रही है और हम चाहते हैं कि इनकी जो मांग है, क्योंकि इनकी जो मांग है वो इनके अपने लिए नहीं है, वो एक लद्दाख के लोगों के लिए, लद्दाख के एनवायरनमेंट के लिए, लद्दाख के कल्चर के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके का एक साइंटिस्ट आदमी अगर इस तरीके की मांग कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो हम चाहेंगे कि सरकार भी इनकी बातें सुने और इनके आमरण अनशन को रोका जाए और इनकी कहीं ना कहीं जो शर्तें उनको पूरी कर दिया है। खैर दोस्तों उन्होंने अपनी एक वीडियो भी जारी की, उस वीडियो के माध्यम से वो क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे, आप भी सुनिए और हो सके तो सोनम वांगचू जी का किसी भी तरीके से अगर आप सहयोग कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं तो जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों। सभी भारतवासियों को नमस्कार। ये आज मेरा दूसरा दिन का खात्मा है अनशन का और कल रात को यहाँ तकरीबन -15 था, मगर मैं अच्छे से हूँ, जिंदा हूँ, अलाइव एंड नॉट किकिंग येट। अच्छा एनीवे, बहुत खुशी है कि यहाँ पर मेरे साथ बहुत से लोग लद्दाख के हर इलाके से जुड़े हैं। जो आप इस तरफ देख रहे हैं वो चीन के सीमा से फोबरंग से आए हैं जहाँ पर कश्मकश चल रहा है चीन और भारतीय सेना के, तो उस इलाके से चरवाहे आए हैं, तो इधर महिलाएं आए हैं बहुत दूर दूर से, और फिर एक सज्जन जो कि 97 वर्ष के हैं, 97 years old, वो भी आए हैं। तो ये है जनता की आवाज। हमें उम्मीद है कि ये आवाज जो बिजनेस लॉबीज का दबाव है सरकार पर उसका बराबरी करेगी और सरकार फिर एक बैलेंस डिसीजन दे सकेगी और अपने वादे पूरे कर सकेगी जो उन्होंने किए थे पिछले चुनावों में, और लद्दाख की जनता के साथ उनके संरक्षण का 6th शेड्यूल में और लद्दाख में लोकतंत्र बहाल करने का, जैसा जम्मू कश्मीर में वो कर रहे हैं।